तारीख को बागवानी में SBI के दो ATM से जो है कैश कटर के द्वारा काट के जो है वो चोर ले गए थे। इस संदर्भ में हमने जो है मामला दर्ज कर लिया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर पाया गया कि 8 तारीख को दिन में ये लोग, चार लोग जो थे, एक इनोवा गाड़ी को लेके जो है यहाँ पे रेकी करने आए थे। रेकी करने के बाद ये वापिस नौशहर चले गए थे और नौशहर से एक कैंटर में ये 7 लोग बैठ के आए थे। और आके इन्होंने रात को, पहले तो एक होटल है वहाँ बागवानी, वहां से एक ओमनी वैन को जो है चोरी किया। चोरी करने के बाद जो था इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद जो थे ये वापिस वही ढेरोवाल होके जो है वापस निकल गए थे। तो पुलिस ने जो है CCTV की सहायता से जो है इस गिरोह का जो है पर्दाफाश किया है। हमें जो जो उस वारदात में संलिप्त वैन थी उसको रिकवर कर लिया है और जो कैंटर है उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। जो दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं वो उन बाकी आरोपियों को जानते हैं। वहां पे हमने दो अलग अलग टीमें जो है वो रवाना कर दी है। शीघ्र ही जो बाकी आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर कोई रिकवरी हुई है? हाँ, करीब 10,000 के आसपास जो बैंक के नोट जो ATM से गए हैं उनको रिकवर किया है। कुछ पिछले कल भी बिला के पास नालागढ़ में एक रिजेक्शन बॉक्स पड़ा है, उसमें 4,500 के आसपास नोट थे, करेंसी नोट, और कुछ इनके पास से रिकवरी की गई है। वो नोटों की जो सीरीज है उससे वो मेल खाती है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की जाए। हम बैंक वालों से शीघ्र एक मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे कि या तो ये वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड करें या इसमें रहते जो है वो ATM को जो है वो बंद करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।